आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ दौर में लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों की हालत अबतर रही है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट में कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरजेंसी वार्ड्स में सीनियर प्रोफेसर अपनी ड्यूटी के दिन मरीजों का चेकअप ही नहीं किया करते थे। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। दानियाल, मजीद क्या इंकशाफात सामने आए? देखिए, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं अस्पतालों से मुतालिक। जो पंजाब के अस्पताल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर ही जो अस्पताल हैं उनमें एक तो मशीनरी की खासी कमी रही। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो अस्पतालों की जो एमरजेंसीज हैं उनके अंदर मौजूद नहीं होते। अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स, कार्डिक मॉनिटर्स, न्यूबिलाइजर्स, सक्शन मशीन समेत जो दीगर मशीनरी है उसकी किल्लत है। तजुर्बाकार डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो इमरजेंसी वार्ड्स में ड्यूटी नहीं करते। पंजाब के अस्पतालों के जो इमरजेंसी वार्ड्स हैं उनके अंदर डॉक्टर्स की भी शदीद किल्लत पाई गई है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स नर्सेज को ट्रॉमा के मरीजों के इलाज की ट्रेनिंग है, ना ही दिल के मरीजों को इमरजेंसी कवर देने के लिए डॉक्टर्स जो है। रिपोर्ट में तमाम तर बातें सामने आई है, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका।